हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेडर्स लाइब्रेरी, इंडियन फर्स्ट एंड बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 9th लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, और इस लेक्चर में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में और डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट कैसे चलता है ये पता नहीं होता, वो स्टॉक मार्केट को एक क्विक मनी गेम समझते हैं। यानी वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है जहाँ पर हम गैम्बलिंग कर सकते हैं, और फिर फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में वो अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में गवा देते हैं, और फिर सबको बताते चलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये पता ही नहीं होता। ये लोग नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट क्यों बना है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी। जैसे कि हमने जनरल कंसल्टेंसी के एग्जांपल में देखा कि जब जनरल कंसल्टेंसी को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठाना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट बिजनेसेस के लिए एक पैसा रेज करने का बहुत अच्छा तरीका है, और इन्वेस्टर्स के लिए उस बिजनेस में भागीदार बनने का। इससे ज्यादा स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझ रहा है और फटाफट पैसे कमाने के चक्कर में स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो वो गलत जगह पर आ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आपको देखना होगा कि वो कौन सा बिजनेस है जो फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, और ये हर कोई नहीं पता कर पाता कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। और फिर इसलिए म्यूचुअल फंड बनाए गए ताकि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वो एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें बिजनेसेस का अच्छा खासा नॉलेज होता है, और जिनके पास अच्छे बिजनेसेस को ढूंढने का एक्सपर्टीज होता है। जरूरी नहीं है कि सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट ही हो। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है। आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो उसे परफॉर्म करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए अगर आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने में भी टाइम लगेगा। तो सीधे शब्दों में बात करूं तो बात यह है कि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स भी चाहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। इसलिए ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एग्जिट लोट रखते हैं। यानी अगर आप एक साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच देते हो तो आपको एग्जिट लोट लगता है, जो कि एक फाइन होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म गेम क्यों है। पर हम जो देखते हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत है। यानी हम जो सुनते आए हैं, देखते आए हैं, वो इस चीज के अपोजिट है, और वो क्यों है उसका भी रीजन है। जब भी हम कोई बिजनेस न्यूज चैनल देखते हैं या किसी ब्रोकरेज फर्म को कांटेक्ट करते हैं या उनका ब्लॉग पढ़ते हैं तो वो ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। यानी आज खरीदो आज बेचो, या आज खरीदो या दो चार दिन बाद बेचो। अब एक दिन में या दो चार दिन में कोई बिजनेस तो नहीं बदलने वाला, और ना ही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये ट्रेडिंग के बारे में क्यों बोला जाता है? तो आपको बता दूं कि ये जो ट्रेडिंग होती है वो कुछ नहीं बल्कि एक स्पेकुलेशन होता है। यानी लोग बस टेक्निकल एनालिसिस और बाकी कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके अंदाज लगाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, शेयर प्राइस ऐसी होनी चाहिए। ध्यान रखना, ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी समझ नहीं होती। वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के उस रिलेशन को नहीं समझ पाते। जिस कंपनी का वो शेयर है उसके बिजनेस मॉडल को वो नहीं समझ पाते। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है उसे भी वो समझ नहीं पाते। किसी कंपनी में की गई इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है इसे भी वो नहीं समझ पाते। वो बस ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म में क्विक मनी कमाने की कोशिश करते हैं, और फाइनल रिजल्ट ये होता है कि वो अपना पैसा गवा देते हैं। देखो, जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं वो तब पैसा कमाते हैं जब कोई ट्रेडिंग करता है। जब आप कोई ट्रेड करते हो तो उस पर ब्रोकरेज फर्म्स कुछ फीस चार्ज करते हैं, जिसे ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। सो अगर कोई ट्रेडर है तो वो लगभग हर दिन शेयर बाय करेगा सेल करेगा, बाय करेगा सेल करेगा, जिससे उस ब्रोकरेज फर्म का ब्रोकरेज जनरेट होगा। वही अगर कोई इन्वेस्टर है तो एक बार खरीदेगा और फिर दो चार साल बाद शेयर्स को बेचेगा। तो अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो ब्रोकरेज फर्म को उससे खास फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स डिलीवरी के लिए जीरो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। यानी अगर आप एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर्स होल्ड करते हो तो वो आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, यानी जिस दिन आप शेयर खरीदते हो उसे उसी दिन बेचते हो, तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। तो एक चीज तो आपको समझ गई होगी कि जब कोई ट्रेडिंग करता है तो ब्रोकरेज फर्म अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। और आपको बता दूं कि ट्रेडिंग एक लत होती है, एक एडिक्शन होता है। अगर कोई ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसे शुरुआत में लॉस होता है, फिर वो ट्रेडर अपना पैसा रिकवर करने के लिए और ज्यादा पैसा ट्रेड करने लगता है। इस तरह वो डेली बेसिस पर शेयर्स को ट्रेड करने लगता है, जिससे उस ब्रोकरेज फर्म का ब्रोकरेज बनता चला जाता है। वही अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे ब्रोकरेज फर्म को ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो ब्रोकरेज फर्म्स का बिजनेस मॉडल ट्रेडिंग पर डिपेंड है, इसलिए वो हमेशा ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं, नई नई टेक्निक्स निकालते हैं, नए नए टूल्स बनाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से ट्रेडिंग करा सके। सिर्फ ब्रोकरेज फर्म्स ही नहीं, न्यूज चैनल्स भी यही करते हैं। आप अगर कोई बिजनेस न्यूज चैनल देखोगे तो उस पर बहुत सारे एक्सपर्ट दिन में आते रहते हैं, जो आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज, कौन सा शेयर बाय करना या सेल करना इसके बारे में बताते रहते हैं। उनका पूरा टीआरपी इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। आप देखोगे कि बिजनेस न्यूज चैनल पर ये जो लोग होते हैं जो आपको ट्रेडिंग एडवाइस देते हैं,
वो या तो किसी ब्रोकरेज फर्म में काम कर रहे होते हैं या फिर उस न्यूज़ चैनल के एंकर होते हैं। तो अगर उन्हें इतनी ही ट्रेडिंग की एक्सपर्टीज होती तो वो खुद ही ट्रेडिंग ना करते, खुद ही फटाफट ना पैसा कमाते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले, क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर्स को स्टॉक मार्केट में इसलिए लॉस होता है क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को कभी समझ ही नहीं पाते। इसलिए हम चाहते थे कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अलर्ट किया जाए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।